सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर इलेवन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों छह नवंबर दो हजार बीस की वर्कशीट है क्लास एट की सब्जेक्ट है साइंस स्टूडेंट्स नेम लिखेंगे टीचर्स नेम लिखेंगे तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट टुडे वी विल लर्न अबाउट सम मोर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आज हम धातु के कुछ अधिक भौतिक गुणों के बारे में सीखेंगे सोनोरस सोनोरस का मीनिंग होता है बच्चों ध्वनिक व्हेन ऑब्जेक्ट मेट ऑफ मेटल आर हिट विद ए हार्ट सबसे जब किसी धातु को या धातु से बनी किसी चीज को सरफेस पर कठोर सतह पर हिट करते हैं मारते हैं ए रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड एक रिंगिंग साउंड जो बजने वाली ध्वनि होती है वो उत्पन्न होती है देअर फॉर मेटल आर कॉल्स सोनरस इसलिए धातुओं को ध्वनि कहते हैं हियर द डिफरेंस बिटवीन द साउंड इफ वी हिट ए स्पून विद ए स्टील ग्लास और विद ए वुडन डोर आप अंतर करके सुने ध्वनियों के बीच में आप एक स्टील के ग्लास पर मार कर देखिए एक चम्मच को और एक लकड़ी के दरवाजे पर आपको अंतर पता चलेगा कंडक्टर और इंसुलेटर सुचालक और कुचालक कंडक्टर में सुचालक और इंसुलेटर में कुचालक लेटेस्ट अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय एन एक्टिविटी आओ हम मेटल्स के धातु के गुण को एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं मेक ए सर्किट बाय कनेक्टिंग द बैटरी बल्ब एंड ए वायर इज शॉन इज आप एक सर्किट बनाइए इस तरीके का जिसमें बैटरी हो है ना बल्ब हो और एक वायर हो और जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है चेक वेदर द बल्ब क्लोज बाय कनेक्टिंग ए एंड बी पॉइंट ऑफ सर्किट आप चेक कीजिए कि बल्ब जलता है या नहीं जब हम ए और बी पॉइंट को सर्किट के कनेक्ट करते हैं तो आपको उसमें क्या करना है देखिए पहले तो नाउ कनेक्ट ईच ऑफ गिवन इन द टेबल बिटवीन आपको एक एक करके को कनेक्ट करना है जोड़ना है ए एंड बी एंड सी इफ द बल्ब इन द सर्किट ग्लोज और नॉट और देखना है कि बल्ब जलता है या नहीं राइट और योर ऑब्जर्वेशन इन योर गिवन टेबल नीचे दी हुई टेबल के अनुसार आपको ऑब्जर्वेशन करना है द मटीरियल दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स इन सर्किट्स कोच इज द बल्ब टू ग्लो जो सर्किट्स uh, में दो बिंदुओं के बीच का स्थान होता है जहाँ पर धातु लगी होती है वो बल्ब को जलाने का कारण बनती है दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स ये इसके ये सुचालक कहलाते हैं तो देखिए बच्चे यहाँ पर देख लेते हैं पहले हम यहाँ मेटल्स दिए हुए कौन कौन से आयरन नेल जो लोहे की कील होती है कोल कोयला एलुमिनियम वायर एलुमिनियम का तार और कॉपर वायर ठीक है अब हमें बताना है लाइटेड अप और नॉट लाइटेड ठीक है ये जला या ये नहीं जला बल्ब की बात हो रही है ये देखिए बल्ब भी हैं बल्ब lighted अप और नॉट तो आयरन नेल पर हम लिखेंगे बल्ब lighted अप बल्ब जला था कोल पर लिखेंगे बल्ब नॉट लाइटेड ठीक है और एल्यूमिनियम वायर पर लिखेंगे बल्ब lighted up कॉपर वायर पर लिखेंगे बल्ब lighted up अब आगे देखते हैं वर्कशीट में मेटल्स थ्रो विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रो आर नोन एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिन धातुओं से इलेक्ट्रिक uh, करंट का जो विद्युत धारा का प्रभाव होता है वो विद्युत के सुचालक माने जाते हैं एज दो थ्रो विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रो आर नोन एज इंसुलेटर्स और जिनसे विद्युत प्रवाहक नहीं होता ठीक है उन्हें कुचालक कहते हैं इंसुलेटर्स कहते हैं जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सामान्य तौर पर विद्युत के जो अच्छे सुचालक हैं वो धातुएँ होती हैं वेयर इज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और जो अधातु होती हैं वो इसके अच्छे सुचालक नहीं होते पुअर कंडक्टर होते हैं विद्युत के ठीक है बट ग्रेफाइट बींगे नॉन मेटल लेकिन ग्रेफाइट जो है एक अधातु है कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत का सुचालक है ठीक है हीट कंडक्टिविटी पढ़ेंगे पिंकीज़ मदर वॉज मेकिंग पुडिंग इन द पेन पिंकीज़ मदर पुडिंग बना रही थी कढ़ाई में ठीक है वैन द डोर बेल रेंग जैसे ही घंटी बजी शी लेफ्ट द स्पून इन द पैन एंड वेन टू ओपन द डोर जैसे ही वो मतलब उन्होंने क्या किया की कढ़ाई में ही चम्मच को छोड़ दिया और वो दरवाजे पर गई उसे खोलने के लिए When she came back जब वो वापस आई शी इमीडिएटली टच द स्पून तो जो उन्होंने अचानक से क्या किया अचानक से ही चम्मच को छू लिया एंड स्क्रीम्ड वो चिल्लाई ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ द मेटल उसके एक वो चिल्लाई किसे करने पर उसको पकड़ने पर मेटल्स के अंतिम सिरे को पकड़ने पर मतलब चम्मच को पकड़ने पर ठीक है वो जो चम्मच था या जो भी उन्होंने कढ़ाई पकड़ी जो भी मतलब इसमें इतना डिस्क्राइब नहीं किया हुआ द हीट मूव फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड चम्मच को ही पकड़ने पर हुआ होगा क्योंकि जो चम्मच था वो कढ़ाई के अंदर था और जब चम्मच से वो छोड़ गई तो उषमा का जो स्थानांतरण होता है बच्चों वो जो गर्म सिरा होता है उससे ठंडे सिरे की तरफ होता है ठीक है ड्यू टू विच द होल मेटल बिकम्स होट जिसकी वजह से पूरी धातु ही गर्म हो जाती है मेटीरियल सिर विच हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम होट रीज़न टू कोल्डर रीज़न और जैसे कि गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की तरफ होता है आर नॉन एज कंडक्टर ऑफ हीट उसे उष्मा का सुचालक बोला जाता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर ऑफ़ हीट और जो मेटल्स होते हैं वो मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं और अधातु अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते वो उसके कुछ अलग होते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन द कुकिंग पैन इज़ मेड ऑफ आयरन जो कुकिंग पैन था वो लोहे का बना था वाइल इट्स हैंडल कवर्ड विद वुड जबकि इसका जो हैंडल था वो लकड़ी का बना था ठीक है वाई तो कुकिंग पैन के बारे में पूछा हुआ है ठीक है कुकिंग पैन जो था वो लोहे का था और उसको पकड़कर उठाने के लिए जो हैंडल कवर किए गए थे वो किससे लकड़ी से कवर किए गए थे ऐसा क्यों तो इसका आंसर आप लिखेंगे दिस इज़ बिकॉज़ आयरन इज़ ए कंडक्टर ऑफ हीट एंड वुड इज़ नॉट ए कंडक्टर ऑफ हीट ठीक है वो उसका कंडक्टर है इसलिए और वो वुड उसका कंडक्टर नहीं है इसलिए ताकि वो उसे कवर्ड करें तो वो गर्म ना हो ठीक है अब क्वेश्चन नंबर टू देखिए वाई डिट शी स्क्रीम ऑन टचिंग द मेटल स्पैटुला वो धातु स्पैटुला को छूने पर क्यों चिल्लाई तो इसका आंसर लिखेंगे द स्पैटुला वॉज हीटिंग ड्यू टू लिविंग इट इन द फ्राई पैन एज इट इज़ मेड ऑफ मेटल यहाँ पर एल आएगा सो यहाँ पर वो आएगा कोमा सो शी क्रीम ऑन टचिंग मेटल स्पैटुला वो स्पैटुला को फ्राई पैन में छोड़ गई थी जिसके कारण वो गर्म हो गया ठीक है क्योंकि ये धातु का बना था इसलिए जब उन्होंने मेटल स्पैटुला को छुआ तो वह चिल्लाई, क्योंकि वो गर्म था इसलिए अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं वट आर कंडक्टर्स ऑफ़ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी उष्मा और हीट के उष्मा के और विद्युत के चालक कौन से हैं हमें हिंदी में ये बताना है तो देखिए इंग्लिश में हम आंसर लिखेंगे मोस्ट मेटल एज कॉपर एलुमिनियम एंड आयरन आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ लेते हैं हिंदी में अधिकतर जो धातु होते हैं बच्चों जैसे कि कॉपर हो गया तांबा एल्यूमिनियम हो गया और लोहा हो गया ये क्या है ये उष्मा के और विद्युत के अच्छे सुचालक हैं ठीक है ये पूछे हम सब क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं राइट एनी थ्री यूजेज ऑफ मेटल्स आपको थ्री यूजेस बताने धातुओं के कोई तीन उपयोग तो इसका आंसर आप लिखेंगे मेटल्स हैव वेरियस यूजेज सच एज वायर मेकिंग मेकिंग यूटेंसिल्स एंड मेकिंग टूल्स एटसेट्रा धातुओं के विभिन्न प्रयोग होते हैं ठीक है जैसे तार बनाने में मेकिंग यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में मेकिंग टूल्स औजार बनाने में आदि अब लास्ट क्वेश्चन है मार्क ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन मटेरियल इन द टेबल एंड इंडिकेटर इंडिकेट वेयर द सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल आपको एक तो ये बताना है कौन से मेटल है कौन से नॉन मेटल हैं और आपको इन सब पर राइट uh, रॉन्ग right, बताना है ट्रू फॉल्स कौन सा सही है कौन सा गलत तो देखिए मैं आपको बता दूं जो मेटल्स होते हैं बच्चों उनमें ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं ठीक है ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उनके अंदर और जो मेटल नहीं होते उनमें नहीं होती तो आयरन एक मेटल है कॉपर एक मेटल है और एल्यूमिनियम एक मेटल है हमने लिखा हुआ अभी आपको ऐसे ही लिखना है मेटल 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 कौन सी दो चीज़ नॉन मेटल है एक तो कोल और एक कार्बन रोड ठीक है तो आप इन सब के आगे जो मेटल है उनमें हमने राइट right के टिक कर दिए हैं और जो नॉन मेटल्स हैं उनमें हमने क्रॉस के टिक कर दिए हैं आपको ऐसी टेबल बनानी है ठीक है जो मेटल होते हैं उनमें शाइन भी होती है मेलेबिलिटी भी होती है डक्टिलिटी सोनोरस भी होती है कंडक्टर ऑफ हीट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है और जो नहीं होते उनमें नहीं होती ठीक है।, है तो उनके आगे हमने राइट right के टिक किए और जो नहीं होते उनमें क्रॉस किए तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग